नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सकारात्मक धारणा। जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में कानून के समर्थन पुत्र मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाना बंद करिए, अगर ये लड़ाना बंद कर देंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। यह कानून देने का कानून है, किसी से लेने का कानून नहीं है। हम इसका कानून का समर्थन करते हैं। भारतीय मुसलमानों को अपने अधिकारों से लाभ लेने में उनकी स्वतंत्रता और अवसर को सीमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे आमतौर पर आज़ादी के बाद से अन्य धर्मों से संबंधित भारतीय नागरिकों की तरह कार्य और मनोरंजन करते रहे हैं। अरे ये लड़ते रहेंगे तो कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी, जिन्होंने 70 साल इनको बेवकूफ बनाया। आज गाड़ियां जला करके बनाने का प्रयास करना चाहते हैं, आज बसों को आग लगाने बातें करना चाहते हैं। तो क्या बसों को आग लगा करके, गाड़ियों को आग लगा करके, पुलिस वालों को मार करके नागरिकता मिल जाने वाली है? ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के ऐसे लाभार्थियों की नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर सताए गए हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे, जिनका उद्देश्य उनके उत्पीड़न को शांत करने के लिए मुआवजे के रूप में उदार व्यवहार के साथ साथ भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। आइए सुनते हैं कि कुंवर मोहम्मद आजम खान, प्रेसिडेंट भारतीय मुस्लिम महासभा, इस मामले में क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी भारतीय मुसलमानों को रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान का महीना सब्र सिखाता है और इसमें रहमत भी बहुत बरसती है। आज मैं आपके साथ बात जो करना चाहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में CAA लागू किया गया है, जिसे आचार संहिता भी कहते हैं। ये समान आचार संहिता को लेकर के मुसलमानों को लोग गुमराह भी करेंगे, लोग भड़काएंगे भी। जिनको पता नहीं है कि CAA क्या है, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जाए। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इन तरह की बातों और बहकाओं में ना आकर के सही मानों में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। इसको लेकर के मैं बहुत जल्द एक प्रोग्राम करूंगा, जिसमें खास करके मुस्लिम भाइयों को बताऊंगा कि CAA क्या है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। CAA का मतलब, जैसा कि शुरू से ये बातचीत चल रही कि साहब CAA जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, इस तरह की बात सियासी तौर पर तो सामने आई, लेकिन ये सियासत ही है। इसको अगर आप सियासी नज़रिए से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप जज्बात में आकर के आप ये सोचेंगे कि साहब CAA को लेकर के सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तो सरकार की क्या पॉलिसी है ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन CAA जो है, ये कानून दोनों पार्लियामेंट से पास किया गया है। अब इस कानून को लेकर के बहुत सी बातें हैं जो बहुत सी कमियों के बारे में की जाती हैं कि मज़हब को लेकर के इसमें एक आधार बनाया गया है कि बाहरी लोग जो हैं वो फिर से जो है हिंदुस्तान की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू और सिर्फ सिख, इस तरह की बात। तो बहुत से पाकिस्तानी हिंदू हैं जो आना चाहते हैं, बहुत से बांग्लादेशी हिंदू हैं जो हिंदुस्तान में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है, उनको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कहीं भी किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचने वाला है। सरकार इस मामले में बहुत लिबरल है और प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री हों, इस बारे में उन्होंने कह रखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी भी तरह की दिक्कतें या परेशानी नहीं आने देंगे हम। ये ज़रूर है कि इससे जो और भी फायदे उठा सकते हैं, जो सरकार की पॉलिसी भी थी कि जो बाहरी हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, उन नागरिकताओं को दी जाए, तो उनके लिए एक आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि CAA को लेकर के कभी भी किसी के बलगड़ायन में ना आए, ना ही किसी भी तरह का विरोध और प्रदर्शन करें, और उस तरह के मीडिया पर्सन से बचें जो आपके मुँह में अपना माइक लगा देंगे और पूछेंगे आपसे कि CAA के बारे में बताइए। अब आपको नहीं पता होगा, आप एंटी गवर्नमेंट बोलने लगेंगे, आप सरकार के खिलाफ बोलने लगेंगे। वही वो चाहते हैं कि आप उस तरह से आपको बदनाम किया जाए। तो उन मुसलमानों से अपील है जो CAA के बारे में नहीं जानते हैं,
तो कम से कम इस बारे में कोई भी बयानबाजी ना करें, क्योंकि अगर जरा सा भी जानकारी के बगैर वो बोलेंगे तो उनके मुंह से हो सकता है कि सरकार के खिलाफ बयान आ जाए, और सरकार के खिलाफ बयान का मतलब ये होता है कि CAA जो है मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बारे में आप लोग को हम पर्चा भी छपाएंगे, पंपलेट भी छपेगा, जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कि CAA क्या है और CAA से क्या फायदे हैं और CAA से क्या नुकसान है। तो इस रमज़ान में तो मैं ही कहूँगा कि रोज़ा रखें, सब्र करें और इन तरह की फजूल बातों में ना आए। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने तो ये सारा बखेड़ा खड़ा करा है। आप किसी छोटे से अदना से बच्चे को रात दिन जब ये कहते रहेंगे भाई तू पहलवान है, तू बहुत बड़ा पहलवान है और तू तेरा मुकाबला नहीं है, वो तो किसी से भी भिड़ जाएगा। जब कपिल सिब्बल जैसा नेता पार्लियामेंट के अंदर इतनी बेवकूफाना बातें कहता है कि मैं मुसलमान आपके बाप से नहीं डरता, मुसलमान किसी से नहीं डरता, तो मुसलमान को उतार दिया अखाड़े के अंदर आस्तीने चढ़ा के। मुखालफत अलग चीज है, बगावत अलग चीज है। मुखालफत के लिए आपके पास वसाइल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कानूनी तरीके से आप किस तरीके से इसका विरोध करेंगे। अलबत्ता आपको नहीं पता है तो आप बगावत के रास्ते पे चल रहे हैं, और शरीयत आपको हुकूमत की बगावत करने की इजाजत नहीं देती, किसी भी रूह से नहीं देती। आपका अमीर चाहे जैसा भी हो, आपको उसकी पासदारी रखनी पड़ेगी। अगर आप इस अमल पे नहीं है तो आप शरीयत के भी आप गुनहगार हैं, आप गलत कर रहे हैं शरीयत के साथ। आप हजरत मौलाना अबुल कासिम नौमानी दारुल देवबंद के मौतमी में उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए, वो साफ मना कर रहे हैं आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, आप ये रोंग जा रहे हैं आप। तो ये हालात बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का शीर्ष झुकाने के लिए पूरी दुनिया के सामने। नागरिकता कानून और उससे जुड़ी मुस्लिम समाज की भ्रांतियां और समाधान। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से नागरिकता कानून में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। इसका लक्ष्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, वैश्य, जैन, बौद्ध, पारसी को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। सपना सिंघानिया, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।